नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। और देखिए, आज के वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको तो इसको हमें कैसे रिपेयर करना है। देखिए ये वाला जो है क्या है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है, तो मैं वो बताऊंगा कि कैसे काम करता है। देखिए यहाँ इसके साथ एक रिमोट भी होता है और एक ये इसका सेंसर है, ये आपका सेंसर लगा हुआ है, इसके अंदर डिब्बी है जो जिसमें ये कनेक्टेड होती है और इसी के थ्रू ये चलती है दोस्तों। और ये इसका एक चार्जर है जिससे पावर इसके अंदर जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसको जो है हम काम कैसे करते हैं। इसमें देखिए जो चार्जर है 12 वोल्ट का, यानी पूरी की पूरी झालर पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है। लेकिन ये दोस्तों होता क्या है कि ये जो है छोटे छोटे पैक में आप कह सकते हैं बनी होती है। मान लीजिए कि आपके एक दो तीन तीन एलईडी है जो तीन तीन के पैक में बनी होती है, मतलब कि 12 वोल्ट जो है इन तीनों एलईडी पे आ रहा है। इसी तरीके से ये अलग अलग होती है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पे जो इसके ज्वाइंट लगे होते हैं इस तरीके से, यहाँ फाइनली जो है यहाँ ज्वाइंट होते हैं इस तरीके से। और एक जो फाइनल जॉइंट होता है उसका 5-6 के बाद होता है शायद। देखिए मैं दिखाऊंगा कहीं पे आपको, ये देखिए यहाँ पे एक जॉइंट ये आ रहा है जो कि शोल्डर से किया हुआ है। तो यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी लंबी है, एक एक स्ट्रिप यहाँ पर है, इतनी लंबी स्ट्रिप है ये। और ऐसे ही इतनी लंबी स्ट्रिप और एक और होगी, देखिए यहाँ पर ये इस यहाँ पर जुड़ा हुआ है, कहाँ गया ये, आई थिंक ये यहाँ पे जुड़ा हुआ था इस जगह से। तो ये ऐसे ऐसे लंबी होती है। देखिए ये पूरी झालर, ये क्या है मेरी पूरी लाइट जो है, झालर बोल रहा हूँ बार बार मैं, क्योंकि 2 दिन झालर रिपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट गई है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है। देखिए पूरे जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए यहाँ पर इसके। तो आज देखिए कोशिश करेंगे इसको रिपेयर करने की, क्या ये इस तरीके से अगर रिपेयर करके हम चला सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कितने छोटे छोटे टुकड़े हैं इसके, ये सब टुकड़े हो गए इसके, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो ये कैसे रिपेयर करनी है दोस्तों, आज इसके वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे अगर इस झालर को हम रिपेयर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए हम पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ से जो है ये सर्किट हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये यहाँ पर जो है जो इसका सर्किट लगा हुआ है, ये कनेक्शन लगा हुआ है जॉइंटर, यहाँ से यहाँ तक ये जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले यही देखेंगे कि ये जो जो जुड़ी हुई है ये वाली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, पहले ये देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं पावर इसके अंदर। तो यहाँ कनेक्शन बिल्कुल सेम सिंपल होते हैं, देखिए कलर टू कलर हमें मैच कर लेंगे एक बार। जो ये कलर है, ये कम से कम जो कलर है, ये देखिए नीला यहाँ पे है, नीला इधर है, ये वाइट की जगह पे यहाँ ब्लैक कर दिया है। तो फिलहाल हम जो तीन कलर हमारे सेम है हम वहाँ से मैच करेंगे। तो यहाँ से हम मैच ये हमने लगा दिया। और देखिए यहाँ पे जो क्या है, एक एरो के निशान भी दिए हुए हैं, 2 एरो के निशान है यहाँ पे, एक इधर आ रहा है एक इधर जा रहा है। तो ये भी आपका एक मार्क है कि आपको एरो टू एरो मैच करके लगाने। तो अब हम इसमें पावर देंगे एक बार, पावर लगा देते हैं इसका, इसके अडप्टर में पावर आ गई है और इसके डीसी में हमने पावर यहाँ कनेक्ट कर दिया। ओ देखिए हमें पावर कनेक्ट कर दिया, ये लाइट जो हमारी यहाँ चल रही है, ठीक है, ये जो पूरी लाइट है ये काम कर रही है हमारी झालर ना, ये काम कर रही है। और इसका ये रिमोट है, तो रिमोट एक बार देखते हैं कि रिमोट भी यहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रिमोट यहाँ पे देखते हैं। तो फिलहाल तो सेल तो ठीक है इसका, सेल लगाने के बाद भी जो है इसका जो है ये रिमोट काम नहीं कर रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो हम ये झालर देखते हैं कि ये हमारा रिपेयर होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक तो देखिए ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, हमें जो है ये वाले जो है ये जो टुकड़े हैं इनको जोड़ने हैं। तो इनको कैसे जोड़ेंगे, देखिए इनको जोड़ने का तरीका यही है कि यहाँ जो जितने भी जॉइंट हैं हमें इनको जॉइंट से ओपन करना है और जॉइंट से ओपन करके जो है जॉइंट लगाने हैं। तो फिलहाल इसके ऊपर जो है ये एक ग्लू लगा हुआ है, इसके ऊपर ग्लू कह सकते हैं इसको, ये कवर किया हुआ है एलईडी को पूरा। तो हमें क्या करना है, इनको इतना ओपन करके और फिर इसको जॉइंट करके देखना है कि काम बनेगा कि नहीं बनेगा हमारा। तो चलिए देखते हैं एक बार, तो हमें कैसे करना है इसमें। तो देखिए फिलहाल क्या है कि हमें ये वाला जॉइंट खराब हो गया है और एक ये इतना स्टेप हमें यहाँ इसको खत्म करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो इसको काटने के लिए हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक हमने कैंची ले लिया, कैंची करके लेकर के आपको जो है थोड़ा सा इसको बढ़ा के काटना है। ये एरिया जो है हमारा वैसे हमने निकाल दिया, लेकिन ये दोस्तों अगर कह सकते हैं तो खराब भी नहीं है, हम इसमें भी काम ला सकते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों हमें ये वाला जो है इसको भी देखना है। देखिए हमेशा क्या करना है, हमें जब भी मैच करना है तो हमें इसको इस तरीके से मैच करके काटने हैं कि हमारा जो है हमेशा एक साइड पे रहना चाहिए। जैसे कि ये इधर वाला बी और आरजीबी जो इसका इधर दे रखा है ना, प्लस का निशान नीचे है, तो हमें इधर भी प्लस का निशान हमें इधर नीचे रहना चाहिए, जैसे कि इधर है। तो अगर हम ऐसे लगाएंगे तो ये प्लस का निशान नीचे रहेगा, ये भी सेम मैच हो जाएगा। तो देखते हैं एक बार करके। तो हम इसको भी थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा के काट लेंगे, ये लीजिए। तो हमने देखिए ये दोनों चीज़ें यहाँ पे काट ली। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के लिए हमें इसको छीलना पड़ेगा।
तो छीलने के लिए दोस्तों क्या करना है, अगर आप इसको किसी कटर की मदद से छीलेंगे तो मेरे ख्याल से ये जल्दी छीलेगा भी नहीं, ये पूरा बहुत दिक्कत करेगा छीलने में। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इसको थोड़ा सा आयरन जो होगा हमारा गरम, आयरन गरम इस तरीके से आपको एक आयरन ले लेना है, क्योंकि सोल्ड तो करना पड़ेगा, सोल्ड करने के लिए आयरन आपको चाहिए होगा। तो इससे थोड़ा सा हम इसको मेल्ट करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके, मैंने जो पूरा सर्किट को यहाँ पे मेल्ट कर दिया है, जो ये आपका क्या नाम है, इसके ऊपर ग्लू लगा हुआ था, ग्लू जो है पूरा मेल्ट हो गया। और इसी तरीके से दोस्तों हम इधर वाला भी जो सर्किट है इसको भी मेल्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों तरफ के सर्किट जो है वो मेल्ट हो गए हैं, यहाँ पे दोनों साइड के सर्किट मैंने मेल्ट कर दिए हैं। अब क्या करना है हमें, इनको थोड़ा सा सोल्डर लगाना है इनके ऊपर ना। तो देखिए यहाँ पे सोल्डर लगाएंगे हम, तो सोल्डर के लिए हमें सबसे पहले देखिए हमारा पेस्ट जो है थोड़ा सा इसको वैसे भी फिजिकली आपको थोड़ा छील लेना है, ताकि जो इसका ग्लू होगा वो भी थोड़ा सा साफ हो जाएगा। और इसके लिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा जो है इस पे कॉटन लेकर के, और कॉटन से थोड़ा सा इसको थिनर लगा के साफ भी कर देंगे, थिनर वगैरह लेके ना थोड़ा सा इसको यहाँ पे थोड़ा साफ कर देंगे, ऐसे करके साफ हो गया है थोड़ा सा ये भी, और ऐसे इधर भी, ताकि जो इसके ऊपर जो प्लास्टिक वगैरह जो रह गया, इसका ग्लू रह गया, वो भी थोड़ा साफ हो जाएगा। साफ होने के बाद क्या करना है हमें, इस पे थोड़ा सा शोल्डर वाला जो पेस्ट है हमारा वो इस पे अप्लाई करना है दोनों पर, ठीक है। ये दोनों पे हमने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद क्या करना है हमें, शोल्डर इस पे सोल्ड करना है इसको, लेते हैं ये हमने यहाँ सोल्ड, थोड़ा थोड़ा सोल्ड लगा लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा शोल्डर यहाँ पे लगा लिया, देखिए यहाँ पर ना मैंने इसको इस तरीके से सोल्ड कर दिया है, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमें दूसरा वाला भी सोल्ड करना है यहाँ पर। तो ये मैंने दोनों जो है यहाँ पे सोल्ड कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास ना इसको जोड़ने के दो तरीके हैं, या तो हम जो है इसको जो जॉइंट है हमारे इनके ऊपर एक एक वायर रख करके जोड़ दें, या फिर हम इसको इस सेम इसके ऊपर जो है हल्का सा इसको थोड़ा सा और कट कर लें। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा इसको और कट कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कट कर लूँ, थोड़ा सा कट हो गया। अब क्या करूंगा मैं, बिल्कुल इसके बराबर में रख करके इसको सोल्ड कर दूंगा। देखिए दोनों तरफ के जो शोल्डर है उनको आपस में मैच कर दूंगा, देखिए यहाँ पे ही मैच हो गया, और ये भी हो गया, और यहाँ पे ये भी हो गया, और यहाँ पे ये भी हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको सोल्ड कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा शोल्डर जो है इसके ऊपर और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, देखिए यहाँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये चीज ये यहाँ सोल्ड हो गई है, ठीक है। अब एक बार देखते हैं लगा के पावर के, ये जो स्टेप में जोड़ी है हमने, ये वाली स्टेप हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, इसको जोड़ने के बाद जो है हमारा ये स्टेप भी काम करना शुरू कर गया है। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं आपके, मैंने यहाँ पे जोड़ लगाया था, ये भी चल गया है, यहाँ जोड़ लगाया था, तो ये इस अगले वाली, इससे आगे वाली जो है वो भी चल गई है। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है पूरी लाइट को जोड़ करके और इसको हम चला सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से जो है, जैसे मैंने जॉइंट लगाया है बिल्कुल सेम इसी तरीके से, जो आपको यहाँ से जो भी जॉइंट है आपका वहां से आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद जो है आपको इसी तरीके से जॉइंट लगा लेने हैं। और अगर हम बात करें इसकी, जो हमारे जॉइंट खुले हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको ग्लू स्टिक आती है, 10 रुपए की ग्लू स्टिक आएगी, तो आपको ग्लू स्टिक लेके हल्का सा उसको जो है इसी तरीके से आयरन से गर्म करके, या फिर जो ग्लू गन आता है उससे गर्म करके उसको इसके ऊपर कवर कर देना है। तो ये कवर भी हो जाएगा, और आपका जो है इस तरीके से जितने भी जोड़ होंगे सारे इसी तरीके से जोड़ करके आपको बिल्कुल आपको इसको सही तरीके से इसको ठीक कर लेना है। क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो इस तरीके से टूट जाती है, तो टूटने के बाद क्या है हम उसको फेंक देते हैं, या फिर हमारा जो अगर टूटी भी नहीं है तो जगह जगह अगर नहीं जल रही है, जहां पे नहीं जल रही है आपको वहां से कट करके आपको उसको डायरेक्ट अगले पॉइंट से उसको जोड़ देना है, तो ये आपकी पूरी की पूरी स्टिक जो है बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया कि जोड़ना कैसे है, और अब फिर मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, आपका दिन शुभ।